हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 22 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैसेज टोन सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैसेज टोन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये मैसेज टोन का, मैसेज टोन पे आपको इसे सिलेक्ट करना है। अब मैसेज टोन के इस पेज में आपको जो है ना ये ऑप्शन मिलता है म्यूट का, म्यूट के सामने वाले सर्कल पे आपको टिक मार्क लगाना है इस तरीके से, तो ये ब्लू टिक मार्क लग जाएगा म्यूट के सामने, यानी कि आपकी मैसेज टोन सेटिंग ना म्यूट हो जाएगी, यानी कि डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिसेबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना म्यूट होने से क्या होता है, अगर आपके मोबाइल फोन पर कोई भी मैसेज आएगा, मैसेज कौन सा, ये देखिए जो टेक्स्ट मैसेज का ऐप होता है ना, ये टेक्स्ट मैसेज का ऐप, अगर इस ऐप का अगर कोई मैसेज आपके फोन पे आएगा ना, तो आपका मोबाइल फोन जो है ना ये इनमें से किसी की भी साउंड को क्रिएट नहीं करेगा। ये जो सारी की सारी आपको दे रखी ना मैसेज टोन, इनमें से किसी की भी साउंड को क्रिएट नहीं करेगा आपका फ़ोन जब भी कोई मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन पे रिसीव होगा, तो इसलिए मैं इसको जो है ना डिसेबल बोल रहा था, मैसेज टोन डिसेबल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना ये मैसेज टोन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ना सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे ऊपर ये ऑप्शन दिखाई देगा सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है मैसेज टोन। ठीक है, जो सेटिंग का नेम है ना, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइप कर देना है, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा मैसेज टोन का। ठीक है, जब ये ऑप्शन शो हो जाएगा ना, इसे आपको जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको है ना एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।